ओके, सो यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको इस यूज़र स्कीमा को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने का मतलब है कि हम यहाँ पर मोंगूस की एपीआई की हेल्प से उसको कंपाइल करेंगे, जिससे हमको एक क्लास मिलेगा। ठीक है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो कंपाइल कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो मोंगूस है, हमने यहाँ पर कहा डॉट मॉडल, तो जो मॉडल फंक्शन है इसको हम पास करेंगे एक स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से कलेक्शन क्रिएट होगा मोंगोडीबी में। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा यूज़र, और यहाँ पर आपको यूज़र स्कीमा पास करना है। सो हमने कहा यूज़र स्कीमा, इससे मुझे क्लास मिलेगा जिसको हम कहेंगे यूज़र। सो हमने यहाँ पर कहा कॉन्स्ट यूज़र। ओके, तो यहाँ पर एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ मैं, कि अगर यूज़र एक क्लास है तो उसको कैपिटल से स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक यूज़र क्लास क्रिएट किया। नाउ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा कॉन्स्ट यूज़र ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू यूज़र, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ पास करेंगे। सो हमने कहा सबसे पहले नेम, सो नेम इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, एंड देन एज 21, एंड देन ईमेल, ईमेल पटेल वीरेंद्र 62@gmail.com, एंड देन फ़ोन, फ़ोन में मुझे एक एरे पास करना जो कि स्ट्रिंग एरे है। सो मैंने कहा कुछ नंबर्स पास कर देता हूँ। ओके, इस तरह से, एंड देन इज़ एडमिन, इज़ एडमिन इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा फॉल्स। ठीक है, सो इस तरह से हम यहाँ पर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ना उसको सेव कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मोंगो डीबी ओपन कर लेता हूँ मैं। ये जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया हुआ था इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो क्या करता हूँ, मैं जो एप्लीकेशन जो हमारा डेटाबेस है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा सो ये डेटाबेस क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट होगा और यहाँ पर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट। ना उसको सेव करने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे यूज़र डॉट सेव, इसमें एक मेथड है जिसकी हेल्प से सेव हो जाएगा। ना यहाँ पर क्या होगा कि सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये एक असिंक्रोनस प्रोसेस होगा। तो हम इसका रिजल्ट एक्सेस करने के लिए इस प्रॉमिस को अवेट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा अवेट, और जो भी यूज़र को सेव करने के बाद रिजल्ट मिलेगा मैं उसे होल्ड कर लूँगा रिजल्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कहा कॉन्स्ट रिजल्ट। नाउ मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस में जब हम अवेट का यूज़ करते हैं तो ये असिंक फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, असिंक फंक्शन। सो यहाँ पर हमने कहा असिंक, असिंक क्रिएट यूज़र। ओके, असिंक फंक्शन, असिंक फंक्शन क्रिएट यूज़र, और ये जो सारा कोड है मैं इसको मूव कर देता हूँ असिंक फंक्शन में, कट करेंगे एंड देन इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पर कहा लॉग रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट में क्या होगा, जो भी हमने सेव किया है वो जो यूज़र ऑब्जेक्ट है वो हमको यहाँ पर प्रिंट होगा, क्योंकि इसको एक यूनिक जो आईडी है वो असाइन करेगा MongoDB, और वो आईडी भी हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट किया। नाउ इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। सो हमने यहाँ पर कहा क्रिएट यूज़र। नाउ सेव करेंगे, वापस आएंगे टर्मिनल में, टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमने कहा नोड इंडेक्स डॉट जे एस। ओके, कनेक्टेड हुआ एंड देन ये सेव हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक अंडरस्कोर आईडी से एक यूनिक आईडी यहाँ पर उसको मिला, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेव हो गया। ठीक है, नाउ MongoDB ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे। सो MongoDB में यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट होगा ABC से। ठीक है, तो मैंने इसका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज किया हुआ है, आप कोड में देखोगे यहाँ पर मैंने स्लैश ABC किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को एक ABC डेटाबेस मिला, और इस डेटाबेस में एक कलेक्शन है यूज़र्स कलेक्शन, और यूज़र्स कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट जो अभी हमने सेव किया इस तरह से सेव हुआ। ना यहाँ पर फ़ोन में आप देखोगे एरे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये MongoDB में ये एक अलग चीज़ है कि आप यहाँ पर एक डायरेक्टली एक एरे को सेव कर सकते हो, ऐसा कोई RDBMS डेटाबेस में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर सेव करते हैं यूज़र को। ना आइए एक और यूज़र यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा संदीप, और इसका जो एज है मैंने कहा 22। ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, सो हमने कहा संदीप, एंड मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, एंड इज एडमिन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा ट्रू। सेव करेंगे एंड देन वापस आएंगे, प्रोसेस को टर्मिनेट किया, देन नोड इंडेक्स डॉट जे एस। सो यहाँ पर एक और यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका जो आईडी है ये आप देख सकते हो। ओके, रिफ्रेश करेंगे कंपास को, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, सो नाउ इस तरह से हम यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट्स को जो है क्रिएट करते हैं, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को MongoDB में सेव किया जाता है इस तरह से। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे डेटा को एक्सेस किया जाता है, कैसे हम इस पर डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे डेटा को डेटाबेस से कलेक्ट करके लेके आएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।